डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स में पढ़े कि आखिर किसी दो लेंस को परस्पर एक साथ सटा कर रखा जाए तो आखिर समतुल्य फोकस कितना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि समतुल्य फोकस होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। यानी कि इसको से ही हम लोग प्रूफ किए थे कि f बराबर f1 f2 / f1 + f2। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का फार्मूला प्रूफ हुआ था। तो चलिए 12th के फिजिक्स में हम लोग उसके आगे के पहले कुछ एक क्वेश्चंस को लिखते हैं और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा खुद से। लिखा जाए, यदि दो लेंस को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो इन लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी, यदि इन लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः इन लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः -3.5 सेंटीमीटर और -3.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। जी हाँ, जो हम लोग पिछले क्लास में फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला को यूज करना है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि f = f1 f2 / f1 + f2। इस क्वेश्चन में आपको दो लेंस को परस्पर इस कदर संपर्क में रखा गया है कि उनको हम लोग समतुल्य फोकस निकाल सकते हैं यदि दोनों का अलग अलग फोकस दूरियां हमें पता है। तो किसी एक को आप f1 मान लीजिए, f1 मान लिया जाए -3.5, तो f2 हो जाएगा हम लोगों का 5। और जब f1 f2 हम लोगों का पता हो गया तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं फोकस दूरी, यानी कि समतुल्य फोकस दूरी। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, हालांकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए टॉपिक्स देंगे हम लोग, संपर्कित लेंसों की क्षमता टॉपिक्स देंगे, संपर्कित लेंसों की क्षमता, संपर्कित लेंसों की क्षमता। आखिर संपर्क में रखे गए लेंसों की क्षमता कितनी होगी ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका भी फार्मूला प्रूफ करेंगे, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी के व्यंजक से हमें प्राप्त होता है कि के बाद कॉमा लगा देना है कि f = f1 × f2 / f1 + f2। क्लियर, अब क्या करना है, इसको व्युत्क्रम करने पर, यहाँ लिखिएगा व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम अगर करेंगे तो f से हो जाएगा ये 1/f और ये हो जाएगा f1 + f2 / f1 f2। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैथमेटिक्स में ऊपर अगर अंश में प्लस और माइनस में रहता है, इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा एफ वन बाई एफ वन एफ टू, ठीक है, प्लस एफ टू बाई एफ वन एफ टू। एफ वन से एफ वन कैंसिल, एफ टू से एफ टू कैंसिल, इसलिए वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ वन। या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। आपको फार्मूला पता है, हम लोग किसका फार्मूला पढ़े हैं, निकालने वाले हैं संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता निकालने वाले हैं। और क्षमता में आपको जानना चाहिए कि लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, और पी का फार्मूला होता है वन बाई एफ। कब? जब मीटर में होता है तब। अगर यही सेंटीमीटर में होता है तो हम लोग 100 बटा एफ लिखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पी का फार्मूला वन बाई एफ होता है, तो इसके जगह पे वन बाई एफ के जगह पे हम लोग पी लिख सकते हैं, और वन बाई एफ वन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी वन, और इसके जगह पे पी टू। तो याद रखिएगा कि अगर मान लिया जाए दो लेंस को आपस में अगर परस्पर सटा करके रखेंगे, संपर्क में रखेंगे, तो उन लेंसों का क्षमता निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पहले वाला लेंस का क्षमता और दूसरे वाले लेंस का क्षमता दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को कुल क्षमता जो है निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे कि हम लोग दो लेंस को आपस में सटा कर रखेंगे तो समतुल्य फोकस निकाल सकते हैं, उसी तरीके से जब दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए यानी कि संपर्कित लेंस का क्षमता निकालना हो तो सिंपल क्या करिएगा, अलग अलग लेंस को जिसको हम लोग सटा कर रखे हैं उसका क्षमता निकाल लीजिए और फिर सिंपल वे में दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग लेंस की क्षमता, संपर्कित लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का सबसे लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, यानी कि ये पूरी तरीके से हम लोगों का चैप्टर एंड हो गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को लिख लेते हैं जिसको आप ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखा जाए, दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हों, दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हों, यदि इन लेंसों की क्षमता क्रमशः, यदि इन लेंसों की क्षमता क्रमशः माइनस 2.54 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्रमशः 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा डायोप्टर होता है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा, माइनस 2.54 डायोप्टर तथा 4.26 डायोप्टर है, 4.26 डायोप्टर है, तो इन लेंसों का समतुल्य क्षमता कितनी होगी, इन लेंसों का समतुल्य क्षमता कितनी होगी। तो सिंपल एक को मान लेना है P1 और दूसरा को P2, साइन के साथ रहेगा, और दोनों को सिंपल ऐड कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, 5.2 डायोप्टर क्षमता वाले और को 4.2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को, ऐसे लिखिएगा 5.2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को माइनस सिक्स पॉइंट फोर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के साथ संपर्क में रखा गया है तो संपर्क में रखे गए लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको सवाल कैसे बोल रहा है, इस क्वेश्चन में P1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, P2 का वैल्यू दिया हुआ है, आप क्या कीजिएगा, P बराबर P1 प्लस P2 निकालिएगा,
ठीक है, पी वन और पी टू को ऐड कर दीजिएगा तो पी निकलेगा, और पी का फार्मूला होता है 1/f, तो पी का वैल्यू जितना आएगा रख दीजिएगा, ठीक है, और फिर 1/f लगाकर फोकस निकाल लीजिएगा। तो आपको सवाल जो है इंडिपेंडेंट दिया है, आप पहले पी निकालिए तब उसके बाद एफ निकालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा जाए दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, दो लेंस जिसकी फोकस दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है, यदि इन लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो, संपर्क में रखा जाए तो इनकी समतुल्य क्षमता क्या होगी, इनकी समतुल्य क्षमता क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस बार दो लेंस को आपस में सटाकर रखा गया है, लेकिन एफ वन का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, दोनों का फोकस दूरी 25 और 75 है, तब आपको वो बोल रहा है क्या कि कुल क्षमता यानी कि पी निकालिए। तो पी का तो फार्मूला लिखिएगा पी वन प्लस पी टू, ठीक है, और पी बराबर इस पी वन के जगह पे 1/f1 नहीं, 100/f1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, अगर यही फोकस मीटर में दिया रहता तब 1/f1 लगाते, तो यहाँ लिख दीजिएगा 100/f2, तो 100 100 तो रहेगा f1 के जगह, और f2 के जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। याद रखिएगा हम लोग वही लगाएंगे, लेकिन चूंकि फोकस दिया था इसलिए इस p1 p2 के जगह पे फोकस का फार्मूला डालेंगे, और फोकस का फार्मूला 1/f1 बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वाले जो चैप्टर है इसके नेक्स्ट चैप्टर को, यानी कि थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, यानी कि प्रकाश को मापने वाले कुछ यंत्र हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रकाशिक यंत्र यानी कि फिजिक्स के नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।